गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्किन केयर के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज के सेशन में हम बेसिक स्किन केयर के स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 की जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद स्टेप नंबर 4, विच इज मॉइस्चराइजेशन। जैसे हमारे स्किन के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मॉइस्चराइजेशन स्टेप भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, विच इज एनरिच्ड विद पपाया एंड हिबिस्कस, जिसको इस्तेमाल करके हम पूरे दिन अपने स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं एंड अपने स्किन को एक फ्रेशनेस दे सकते हैं। इसमें दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट जो सेल रीजनरेशन पे वर्क करती हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन को डीप मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती हैं एंड हमारे स्किन में जो एजिंग के साइंस आते हैं उसको रिड्यूस करती हैं। देन वी हैव पपाया सीड एक्सट्रैक्ट इन इट, जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करती हैं और हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं एंड स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रख सकते हैं। दिस इज अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। हाउ टू यूज इट, हम पहले स्किन को क्लीनिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस मॉइस्चराइजर को फिंगर टिप्स के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में फेस और नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे, विच इज रिजुविनेटिंग डे क्रीम एनरिच्ड विद लेवेंडर, आलमंड एंड जोजोबा ऑयल। इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमारे स्किन को एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसमें हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई है जो हमारे स्किन को नेचुरली हेल्दी एंड ग्लोइंग रख सकते हैं। इसमें लेवेंडर रहने की वजह से ये हमारे स्किन को टोन करती है एंड फर्म रखती है, स्किन की सर्कुलेशन को बढ़ाती है एंड हमें प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। आलमंड ऑयल की वजह से ये हमारे स्किन को सफिशियंट नरिशमेंट देती है बिकॉज ऑफ विटामिन ई इन इट, एंड जोजोबा ऑयल की वजह से ये हमारे स्किन को नेचुरली ग्लोइंग एंड हेल्दी रख सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम प्री मच्योर एजिंग से बचा सकते हैं, स्किन की ग्लो को रिस्टोर कर सकते हैं एंड एक यूथफुल लुक मेंटेन कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस क्रीम को मसाज करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन आपके फिंगर टिप्स के साथ ऑन योर फेस एंड नेक। अब हम बात करते हैं हमारे नाइट मॉइस्चराइजर के बारे, विच इज द एंटी एजिंग नाइट क्रीम, विच इज एनरिच्ड विद कोलेजन एंड विटामिन ई, जो हमारे स्किन के कोलेजन कंसेंट्रेशन को बढ़ाती है, हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है एंड हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होती है उसको भी रिड्यूस करने में ये हमें सपोर्ट करती है। इसमें दो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोलेजन जो हमारे स्किन को फर्मनेस एंड स्ट्रेंथ देती है एंड हमारे स्किन में जो वाटर लॉस होती है उसको कम करती है, जिससे हमारे स्किन सॉफ्टर एंड स्मूदर रहती है। विटामिन ई है इसमें जो हमारे स्किन को नरिशमेंट देती है एंड हमारे स्किन को फ्री रेडिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती है। अगर हम इस क्रीम को रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन में जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स डेवलप होती है उससे हम हमारे स्किन को सेफ रख सकते हैं, फोटो डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं एंड हमारे स्किन को हम हाइड्रेटेड रख सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड देन इस प्रोडक्ट को हम रेगुलरली नाइट टाइम में यूज करेंगे ऑन योर फेस एंड नेक। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, विच इज बॉडी बटर एनरिच्ड विच शेयर बटर एंड आलमंड ऑयल, जिसको यूज करने से पूरे दिन आप अपनी बॉडी के स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। ये एक अल्ट्रा डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है आपके बॉडी के लिए, एक नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है जो हर कोई आपके घर पे यूज कर सकते हैं। शेयर बटर है इस प्रोडक्ट में, जिसमें ढेर सारे फैटी एसिड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये एक एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर का काम करती है हमारे बॉडी के लिए। इसमें आलमंड ऑयल है जो हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ई कंटेंट करती है, जिससे हमारे स्किन को हम एक बढ़िया से नरिशमेंट भी दे सकते हैं। अगर हम इस क्रीम को रेगुलर अपने बॉडी पे यूज करें तो हम हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, स्किन को रेजुविनेट कर सकते हैं, स्किन को सिल्की एंड स्मूथ मेंटेन कर सकते हैं। इट इज एक्सेलेंट फॉर ड्राई स्किन। हाउ टू यूज इट, हम नहाने के बाद
एवरीडे बेसिस पे मॉर्निंग को अपने एंटायर बॉडी में इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, एंड अगर चाहें तो हम नाइट टाइम में भी इसको दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी स्टेप विच इज प्रोटेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। सो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास दो सनस्क्रीन्स हैं, SPF 30 एंड SPF 50। सो प्रोटेक्शन एक ऐसी स्टेप है जो हमें रेगुलर करनी है आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, चाहे हम घर के अंदर हो या हम घर के बाहर जाएं, बट दिस इज अ डेली इम्पॉर्टेंट स्टेप। सो प्रोटेक्शन को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से आपके सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो आपके स्किन को किस तरीके से डैमेज कर सकती है। सो देयर आर थ्री अल्ट्रावायलेट रेज। फर्स्ट अल्ट्रावायलेट ए, जो लॉन्गर वेवलेंथ है, जो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करती है अप टू डर्मिस एंड हमारे स्किन में प्रीमैच्योर एजिंग, सैगिंग एंड रिंकल्स क्रिएट करती है। सेकेंड अल्ट्रावायलेट बी, शॉर्टर वेवलेंथ, जो बेसिकली एपिडर्मिस तक अब्जॉर्ब होती है एंड हमारे स्किन में टैनिंग डेवलप करती है। थर्ड अल्ट्रावायलेट सी, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट एनर्जी बट मोस्ट डेंजरस वेवलेंथ। अगर इन सारी अल्ट्रावायलेट रेस से आप अपने स्किन को बचाना चाहते हैं तो आपको यूज करना है सनस्क्रीन। सो फर्स्ट इज SPF 30। सो चलिए जान लेते हैं SPF के बारे। SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो इसमें है 30 SPF, मीन्स 300 मिनट्स, विच गिव्स 5 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये सनस्क्रीन इज एनरिच्ड विद गोटुकला एंड क्यूकम्बर। गोटुकला हमारे स्किन को रिपेयर करती है एंड क्यूकम्बर हमारे स्किन को लाइटन करती है। इस प्रोडक्ट में वी हैव PA++, जो 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। इट इज सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। क्यूकम्बर हमारे स्किन को लाइटन करते साथ ही हमारे स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है, एंड गोटुकला हमारे स्किन को हील करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को हेल्दी भी रखती है। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग करेंगे एंड मॉइस्चराइजिंग के बाद इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इट इज अ नॉन ग्रीसी प्रोडक्ट, तो हम इसको डेली लगा सकते हैं अपने फेस पे, अपने नेक पे एंड एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ द स्किन में। देन हम बात करेंगे SPF 50 के बारे, विच इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, एलोवेरा एंड कॉम्फ्रे। इसमें विटामिन हैं जो हमारे स्किन को सन डैमेजेस से बचाती हैं, हमारे स्किन को सन बर्न से एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। इसमें भी वी हैव PA++, जो 3 टाइम्स ज्यादा प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम UVA रेज। सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड बिकॉज इसमें SPF 50 है तो हमारे स्किन को हम करीबन 7 घंटे के प्रोटेक्शन दे सकते हैं। कॉम्फ्री जो इसकी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ये हमारे स्किन को डैमेजेस से बचाती है। विटामिन ए के वजह से ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है, नरिशमेंट देती है, एंड बिकॉज इट कंटेन्स एलो लीव जूस, ये हमारे स्किन को सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देती है। नॉन ग्रीसी क्रीम है, अगर हम इसको रेगुलर यूज करें तो हमारे स्किन को हम UVA एंड UVB से बचा सकते हैं, हमारे स्किन में एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमारे स्किन को प्रीमैच्योर एजिंग से हम बचा सकते हैं। हाउ टू यूज इट, पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, देन टोनिंग, देन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, देन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स के बाद हम सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं अपने फेस पे, अपने नेक पे एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्किन में। तो ये थी हमारी 4th एंड द 5th स्टेप। सो बेसिक स्किन केयर के बाद हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे स्किन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।